हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला जौनपुर सिटी से काफी दूरी पर एक बार फिर से आ चुका हूं। ये दोस्तों पावन सरजमी है इलाहाबाद प्रयागराज। तो दोस्तों होता यह है कि जीव जंतुओं से ये भरा पूरा हमारा धरातल है। इनको बचाना, इनका रहन सहन इंसानों के आसपास ही रहता है, तो इनको बचाना इंसान का परम धर्म है। और दोस्तों यही मेरी मंजिल है। तो सबसे पहले मैं प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा है कहा गया है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ, इस पावन सी मिट्टी को। और कैसे हैं आप? थैंक यू। तो दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं वो सांप है कौन सा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये ब्रेक लेंगे कि जिन्होंने हमको यहाँ पर फोन करके बुलाया है उनसे आपसे रूबरू करवाते हैं कि कब कैसे क्या हुआ, ये गांव का नाम क्या है, उनकी जुबानी आपके नज़रों के सामने। आप सर अपना नाम पता बताएं एक बार। हमारा नाम है राम बाबू जी, ग्राम सुल्तानपुर फलोड़ी। जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज। तो चलिए दोस्तों निकाल के दिखा देते हैं फटाफट के अंदाज में। बस आप नज़रें जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए प्लीज़ कम लेते हैं छोटा सा समय। बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे साथ, हमारे सहयोग में यहाँ पर प्रशासन महोदय भी आए हुए हैं। मैं उनका भी मोस्ट वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। जी सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। हम तो आपके बच्चे के समान हैं सर। अरे सर, सर आपको भी तो अच्छा। इसके पहले सर आप आ चुके थे? कल मैं तो आपका नंबर दिया इन लोगों को, आपसे पहले बात मैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे ये जब सांप निकला था तो साहब को फोन किसने किया? हम ही किए थे। ये किए थे। अच्छा, तो मतलब इसको पकड़ने के लिए? नहीं, पकड़ने के लिए। हाँ, हमको पकड़ने के लिए। सही तो ये है कि फिलहाल इन्होंने कॉल किया और जो मेरा कर्तव्य था मैं यहाँ करके उनको देखा, फोटो आपको मैं भेजा। अच्छा, कैसे पता चला सर कि मैं सांपों को पकड़ता हूँ? आप देखे थे कभी? अच्छा, देखे थे। नंबर निकाला था मैं आपका और नंबर निकाल के वहाँ से तब मैं चला था यहाँ और इन लोगों को बताया, फिर आपको कॉल किया व्हाट्सएप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कौन सा थाना पड़ता है आपका? ये फूलपुर है। फूलपुर, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज। और तो ये है कि इसमें एक बुड्ढी माँ रहती है जिनको आँख से कम दिखाई देता है, एक बिटिया है और कोई नहीं है इनके यहाँ। अच्छा, इस घर में और कोई नहीं है? और अगल बगल के लोग हैं जो सहयोग करते हैं, बिल्कुल अनाथ है सभी, ये गरीब भी हैं, इनके पास यही व्यवस्था है। जी जी। और डर के मारे एक महीने से घर छोड़ कर इधर उधर भागते हैं। अच्छा अच्छा, माता जी आप यहाँ मतलब आप ही रहते हैं घर में और कोई नहीं है? अच्छा, सब लोग बाहर रहते हैं। और मतलब खर्चा वर्चा कैसे चलता है फिर? खाने पीने की व्यवस्था कैसे रहती है? कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं। खर्चा देखते हैं आपका, नहीं देखते? उनकी शादी हो गई है? शादी हो गई है। अपने परिवार को लेके बाहर रहते हो? बड़ी विडम्बनाएं हैं। तो चलिए पहले सांप को मैं निकालता हूँ, फिर जो भी होगा माता जी की हेल्प करेंगे। घबराइए नहीं आप, आपका बच्चा आ गया है। सर सांप कहाँ, एक बार दिखा दीजिए। आइए भैया, बाहर ही रहिएगा, निकाल के ला देंगे हम यहीं से। हाँ, एकाध लोग आ जाइए जिसका घर हो, या साहब आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ का ये रहन सहन है। एक बेटा है, दो बेटे हैं, उनकी शादी हो गई, अपने परिवार को लेके वो दूर रहते हैं। और माता जी एक छोटी सी दीदी जी हैं, इसी घर में अकेले वो रहती हैं। उनका खर्च वर्च कैसे चलता है, राम जाने कोटे के राशन लेकर के किसी प्रकार से उनका जीवन चलता है। ऐसे दोस्तों बच्चों का होना नहीं चाहिए जो अपनी माँ को भूल जाए। दोस्तों माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, जिनकी आज मैं बदौलत हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज जो जहाँ में ऊँचा हमारा सर है, आज जहाँ में ऊँचा हमारा सर है कुछ और नहीं, मेरी माँ की दुआओं का असर है। मैं दोस्तों सभी माताओं को देश की प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी कुछ हूँ। दोस्तों ये बगल में आप देख सकते हैं, हाँ ये पाइप लगी हुई है, पाइप लगी है दोस्तों, इसी के अंदर वो सांप बैठा हुआ है। कब से ये देखा गया है? हाँ दोस्तों चलिए हम इसको हटाते हैं। इस वीडियो को देख के दोस्तों आप कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। दोस्तों हाँ हाँ समझ रहे हैं, सब हटा देते हैं इसी में। अच्छा अच्छा, इसमें है, इसमें इसमें तो रहेगा तो भाई आप टूल हो ना, आधे पर स्टोर दे दिए ना, दिख रहा है सर? हाँ हाँ ये तो दिख रहा है। दोस्तों आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं, इसे हम भारत का, हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप, जिसको हम इंडियन कॉमन कैरेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और एक बात है, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये कोबरा से भी अधिक चार गुना जहरीला होता है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, इसी को दोस्तों निशाचर भी कहते हैं। ये रात के समय ज़्यादा सांप निकलता है और चूहे के छोटे छोटे बच्चों को खाता है। इस पर ब्लैक कलर का होता है, सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती हैं। चलिए दोस्तों इसे मैं निकालता हूँ एक बार देख करके। सर आप देख रहे हैं, एक ही है इसके अंदर, दो है?
अच्छा बताइए आगे तो नहीं जा सकता ये दीवार जो है ना ये दीवार जो पीछे वाली सर ये लंबी है सर हाँ पैसा कट लगी है ना हाँ नहीं निकलेगा सर जी ये घर तो उखड़ जाएगा ये तो वही तोड़ दीजिए नीचे से पूछ लिया नहीं है चलिए भैया बगल करिए दिख रहा है सर। तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ी समाप्त होती हुई अब मैं इसे निकालता हूँ। आप भैया आप लोग थोड़ा रेडी रहिए बाहर भी भाग सकता है थोड़ा ध्यान दीजिए भैया थोड़ा शांति रखें निकल आया एक दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हो ये निकल चुका है। इसी को दोस्तों कॉमन करैत बोलते हैं। इसकी हमारे भारत में लगभग कई प्रजातियां पाई जाती हैं और ये दोस्तों है अब ये पूरी इसकी साइज एक मीटर के आसपास होती है। चलिए हम इसे थोड़ा से बाहर निकालते हैं भैया एक ही है ना आप देखिए उसमें है चलिए सतीश दोस्तों ये एक प्रकार से इसे यूं समझ लीजिए कि ये कामन करैत सांप भारत में अलग अलग स्थानों पे तो मान लीजिए मिलता ही है। ये कामन है लगभग दोस्तों ये सभी जगहों पर मिलता है। इसके दांत बहुत छोटे होते हैं ये काटता भी बहुत तेजी से है लेकिन ये इसका पसंदीदा जो भोजन है वो मेढक के छोटे छोटे बच्चे को चूहे के छोटे छोटे बच्चों को अपना निवाला ये बनाता है। भैया ये सिर्फ इसमें एक ही सांप है इसमें तो नहीं गया पाई पे किस दुनिया में रहते हैं आप चलिए बाहर दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं पीछे बाकी के लिए वो हमारे पास अच्छा सर आओ ओके ओके सर क्यों नहीं बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। नहीं नहीं ये फूंकने वाला सांप नहीं है सर। दोस्तों एक चीज से आप अंदाजा लगाइए कि घर में कोई गार्जियन ना हो और एक बूढ़ी माँ रहती हो और एक कोई दीदी जी रहती हो और ऐसा सांप भी घर में रहता हो तो कितनी दर्द की बात है। तो हालांकि दोस्तों यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं इसको मारे भी नहीं हैं। अच्छा जैसे अगर हम ना आते तो फिर इसका क्या होता मार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर देते हैं फिर इसके बहुत छोटे छोटे दांत होते हैं। इसके काटने के बाद होता क्या है कि दो दांत के निशान होते हैं बहुत पतले पता नहीं चलता है। दो घंटे एक घंटे जाते जाते दोस्तों उल्टियां आता है चक्कर आता है और आंखों से अंधापन हो जाता है। तो जान लीजिए ये कामन करैत सांप काटा है मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलना शुरू हो जाता है। ये इतना खतरनाक सांप है चलिए हम इसे पैक कर देते हैं। सर बैग लाइए रात जब निकरा रहे जी ये लड़की जब फोन के है तुम्हारे घरे वाले सब आए तो देखा था तो दुईना वैसे पूछी लपेट के ऐसे ऐसे रहे नाते मारे नहीं कौन मराए कौन न मराए। अच्छा मतलब नाग नागिन था इसीलिए नहीं मारा गया। चलिए मारना नहीं चाहिए चलिए दोस्तों। ये छोटी से छोटी जगहों में अंधेरा समझ करके ये बिल में भाग जाता है। सॉरी जौनपुर से। तो दोस्तों ये तो था जीवों को बचाना। हमारी एक छोटी सी टीम है ऐसे सिलसिले में माँ जी का मैं हेल्प करूँगा। इनके दो बच्चे हैं देख रेख नहीं करते हैं कोई अपने परिवार लेकर ये लोग बाहर रहते हैं। और एक बड़ी बात और है यहाँ के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग इनकी हेल्प करते हैं क्यों से पूछ लीजिए कौन होता है तो दवाई दुआ बरन लिया कि जाइए लड़के सही माँ जी हेल्प करते हैं ये लोग अच्छा दोस्तों ये मात्र कितना पैसा भी है आप लोग गिन लिए दोस्तों ये मात्र 5,000 रुपया है। ये माता जी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ इनका बच्चा शायद मैं भी हूँ। दोस्तों आज मैं मिट्टी के ऊपर हूँ और कल मिट्टी में मिल जाऊँगा क्योंकि ये मिट्टी से ही बनी शरीर है। ये माँ जी आप लीजिए और बच्चे का आशीर्वाद दीजिए थोड़ा बच्चा और आगे बढ़े।
ठीक है हाँ ठीक आप हाँ बस बस ठीक अरे ठीक 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 बस कीजिए बस बस ठीक ठीक। तो दोस्तों माँ की हिफाजत करना चाहिए, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी माँ का ध्यान रखिए, समझ रहे हैं नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी माँ की भी हिफाजत करें, अपनी माँ की भी खुशी के लिए उनको समय दीजिए, जो भी कुछ हो सके आप उनकी हेल्प करते रहिए। ठीक है माँ जी, आप संतुष्ट हैं? आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आपका बच्चा ठीक ठीक बस। अरे आप बैठे, नहीं नहीं आप रोना नहीं माँ जी, रोइए नहीं, हम आपके बच्चे हैं आपकी हेल्प के लिए। भैया थोड़ा आप लोग इनको और ध्यान देते रहिए, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। दर्द तब होता है जब माँ दो दो बच्चों के रहते हुए बेसहारा बनती है, शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों पर, वो चाहे दोस्तों मैं रहूं या चाहे कोई मेरा रहे, कष्ट होता है मुझे भी। थैंक यू, बाय बाय, चलिए। ठीक है पिताजी।